मेज रनर द स्कॉच ट्रायल्स, ये 2014 में आई हुई द मेज रनर का सीक्वल है, डायरेक्टेड बाय सेम डायरेक्टर वेस बॉल। पहली फिल्म के बराबर एक साल बाद यानी सितंबर 2015 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। सेकंड पार्ट की कहानी बराबर पहला पार्ट जहाँ से खत्म हुआ था वहीं से शुरू होती है। थॉमस और उसके साथी जब मैच से बचकर बाहर आते हैं, उसके बाद में मिस्टर जॉनसन नाम के एक व्यक्ति उनके द्वारा संचालित एक सीक्रेट जगह पर उन सभी को लेकर के जाते हैं। वहां पर थॉमस और उनके ग्रुप के अलावा भी अलग अलग मैच से बचकर आए हुए बहुत सारे सर्वाइवर्स होते हैं। थॉमस को वहां पर जो एक्टिविटी चल रही होती है वो कुछ ठीक नहीं लगती है और इसी वजह से वो अपने सभी साथियों के साथ फिर से वहां से भाग निकलता है। दिस स्कॉच ट्रायल्स में भी हमारा सबसे ज्यादा कोई ध्यान खींचता है तो वो ऑब्वियसली डायलन ओब्रायन है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस उसने यहाँ दिया है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक्टिंग के साथ साथ ही उसके पास एक पर्सनैलिटी है और उसी वजह से वो पूरी फिल्म में छा जाता है। यहाँ पर भी हर समय उसकी एक्टिंग देख करके हमें लगता है कि बहुत ही सीरियसली उसने अपना रोल यहाँ निभाया है और वो केयर करता है अपने रोल को लेकर के। उसके अलावा भी सभी के परफॉर्मेंस यहाँ बढ़िया थे, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स को इतना अच्छी तरीके से लिखा नहीं गया है, उनको उतना स्क्रीन टाइम भी नहीं दिया गया है। ज़्यादातर फोकस थॉमस के कैरेक्टर पर ही था पूरी फिल्म में, इसी वजह से बाकी कैरेक्टर्स को लेकर के इतना इंटरेस्ट भी हमारा नहीं बन पाता। पहले पार्ट की अपेक्षा यहाँ पर प्रोडक्शन वैल्यू और बजट बढ़ गया है, हमें तुरंत पता चल जाता है। जिस प्रकार से सेट्स और लोकेशंस यहाँ पर यूज़ किए हैं वो फिल्म की स्टोरी के हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन ये सब तबाही कैसे मची है ये फिल्म में कहीं पर भी नहीं दिखाया गया है। फिल्म का पूरा फोकस थॉमस और उसका ग्रुप उस सीक्रेट जगह से किस प्रकार से भाग रहा होता है इसी के ऊपर होता है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में थॉमस और उसका ग्रुप कैसे वहां पर पहुंचता है, उस सीक्रेट जगह पर क्या क्या एक्टिविटी चल रही होती है, फिर वो वहां से कैसे भागते हैं, ये फिल्म के फर्स्ट हाफ में दिखाया गया है और इसी वजह से फिल्म का फर्स्ट हाफ मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि वहां पर स्टोरी आगे बढ़ रही होती है, कुछ ना कुछ स्क्रीन पर चल रहा होता है। लेकिन एक बार जब वो वहां से भाग जाते हैं उसके बाद फिल्म की आखिर तक वो बस भागते ही रहते हैं। एक एक कैरेक्टर फिल्म की स्टोरी में ऐड होते जाता है और उन कैरेक्टर्स को भी ठीक तरीके से दिखाया नहीं गया है और स्टोरी मानो वहां से भागने के बाद रुक जाती है। बस फिल्म के आखिर तक एक ही चीज हमें अलग अलग प्रकार से दिखाई गई है, इसी वजह से वो चेसिंग सीक्वेंस थोड़ा सा कम करके ये तबाही कैसे मची है, वायरस का असर लोगों के ऊपर कैसे हो रहा है, वो जोम्बीज में कैसे बदल रहे हैं, ये अगर थोड़ा सा थोड़े समय में दिखाया जाता तो फिल्म ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती ऐसा मुझे लगता है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में जोम्बी जैसे जो इन्फेक्टेड ह्यूमंस यहाँ पर दिखाए गए हैं उनके साथ जितने भी सीन्स शूट किए हैं वो भी मुझे काफ़ी पसंद आए, लेकिन सेकंड हाफ में एक टनल के अंदर जो अलग ही प्रकार के क्रीचर्स दिखाए हैं, अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको पता होगा, वो क्रीचर्स और उनकी जो चेसिंग सिक्वेंस यहाँ पर दिखाए हैं वो भी बहुत खींचा गया है उस एक सीन को। उसके बाद वो एक पब में जाते हैं, उस सीन की भी फिल्म में कुछ भी ज़रूरत नहीं थी और इसलिए सेकंड हाफ में फिल्म एक प्रकार से रुक गई है हमें ऐसा लगता है, और फोर्सिवली ट्विस्ट फिल्म में डाले गए हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स फिल्म में ऐड किए जाते हैं जिनको ना ठीक तरीके से हमारे सामने रखा गया है ना ही उनके पीछे कोई अच्छी बैकग्राउंड स्टोरी है उनकी, इसी वजह से फिल्म हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देती है सेकंड हाफ में। हालांकि फिल्म का डायरेक्शन बढ़िया है, एक्शन सीक्वेंसेस को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से शूट किया गया है, कैमरा वर्क भी मुझे यहाँ पर पसंद आया, लेकिन फिल्म की स्टोरी सच में बहुत ही ज़्यादा वीक है। एंडिंग भी इस प्रकार का है कि वहाँ पर थॉमस जब एंडिंग में वहाँ एक जगह पर पहुँचता है, वहाँ इतनी मेहनत करके पहुँचने के बाद वो कहता है कि मैं फिर से, चलिए मैं आपको स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता यहाँ पर, लेकिन एंडिंग भी थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंट करता है। द स्कॉच ट्रायल्स केवल 2 घंटे और 10 मिनट की है, फिर भी ये फिल्म हमें लेंदी लगती है क्योंकि स्टोरी वीक है, कैरेक्टर्स को ठीक तरीके से लिखा भी नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये फिल्म सजेस्ट करता हूँ देखने के लिए, डैरन ओब्रायन के परफॉर्मेंस की वजह से, एक्शन सीक्वेंसेस की वजह से और एक अच्छे डायरेक्शन की वजह से। मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 3 out of 5 stars की। दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।